फरीदाबाद में मंडल स्तरीय बाल महोत्सव के तहत ग्रुप डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नूह में बाद के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। बता दें कि ये सभी बच्चे अपने जिलों में आयोजित ग्रुप डांस में पहले और दूसरे स्थान पर जीतकर यहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े डांस परफॉर्मेंस दिए। इस मौके पर क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंची और सरकार के आयोजित इस कार्यक्रम के तरीके की तारीफ और बच्चों की शुभकामनाएं दी। वहीं बच्चों ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए ने जीत का दावा किया है। काल में लिया, तो कितनी प्रैक्टिस की थी और आपको कैसे पता चला था इस प्रोग्राम के बारे में? सर मैम ने बताया था। मैम ने बताया था, तो कैसा लगा यहाँ पर आकर आज जो आपने परफॉर्मेंस किया, क्या कितना पसंद किया गया है? सर हमने अपना बेस्ट दिया है, राजस्थानी और हरियाणवी की। क्या लगता है आप जीत पाओगे? हाँ जी, हमने बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत की, 5 दिन से। किसने सिखाया आपको ये डांस? मेरे सर ने, टीचर ने। हमने घर पे प्रैक्टिस करी, पूरे टाइम प्रैक्टिस करी। हमें लगता है हम जीत सकते हैं। कॉम्पिटिशन में पहले गए हम? हाँ। यह कार्यक्रम पिछले 4 हफ्ते से चल रहा है और इसमें हफ्ता पहले जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हुए, तीनों मंडल के 3 जो बाल भवन है हमारे, फरीदाबाद, नूह और पलवल, तीनों बच्चे ने आज शिरकत की है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड ग्रुप डांस के बच्चों ने। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हमारे माननीय विधायिका बडखल क्षेत्र से श्रीमती सीमा त्रिखा जी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन, जो मंडल स्तरीय बाल महोत्सव है, इसका आयोजन शास्त्री जी की देखरेख में हो रहा है। कमलेश शास्त्री जी इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि वैसे 2 सालों से हम सब अपने घर में बंद पड़े हैं, पर मैं कहूँगी कि हमारा हार्ड लक है थोड़ा सा कि परसों ही फरीदाबाद में 11 नए कोरोना के केसेस आए हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। 2 साल में जहाँ बच्चे घर बंद थे और अचानक से एक कार्यक्रम जो इतनी मेहनत से मैं देख